सत्तू का उदाहरण अक्सर मजबूती और बुलंदी को लेकर दिया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत दुनिया के सबसे कमजोर पर्वतों में से एक है। आज हम आपको बताएंगे विशाल हिमालय पर्वत की खोखली और कमजोर चट्टानों की कहानी। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए हिमालय की कई चट्टानें काफी कमजोर और भुरभुरी हैं। इसके बावजूद दुनिया के सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफी सघन आबादी है, और यही वजह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के करीब पांचवें हिस्से को पानी देती हैं, लेकिन हिमालय और इसके आसपास की जमीन अपने अंदर काफी हलचल समेटे हुए है, जो समय समय पर जमीन की सतह पर भी दिखती है। ये हलचल हिमालय और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, और इस खतरे की वजह हिमालय की बनावट में ही छिपी है। आइए जानते हैं कि किस तरह के खतरे को अपने अंदर समेटे हुए है हिमालय। कैसे बना हमारा हिमालय? हमारी धरती के नीचे कई तहों में प्लेट्स होती हैं जो गतिशील रहती हैं। कई बार ये प्लेट बीच से उठकर आपस में टकरा जाती हैं, जिसके असर और बदलाव धरती के ऊपर भी नजर आते हैं। हिमालय का निर्माण पृथ्वी के नीचे ऐसे ही दो प्लेट, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने और एक दूसरे में धंसने से हुआ है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो फॉल्ट लाइन बनती है। फॉल्ट लाइन तीन तरह की होती है, स्ट्राइक थ्रस्ट, प्लेटों का हॉरिजेंटली मूव करना, नॉर्मल फॉल्ट लाइन, जिसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और बीच में घाटी बन जाती है। तीसरी होती है हिमालय को बनाने वाली रिवर्स फॉल्ट लाइन। हिमालय में कई फॉल्ट लाइन है, और हर फॉल्ट लाइन की सतह के पहाड़ या चट्टाने एक दूसरे से अलग है। ये फॉल्ट लाइन गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर तिब्बती पछाड़ तक को एक दूसरे को अलग करती है। हिमालय की दो फॉल्ट लाइन सबसे संवेदनशील है, सेंट्रल थ्रस्ट, जो शिवालिक रेंज और गंगा के मैदानी इलाके को अलग करती है, और दूसरों के हायर हिमालयन लाइन, यानी हिमालय का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा। सेंट्रल थ्रस्ट वाली फॉल्ट लाइन की चट्टाने क्ले और रेत की बनी है। इन पर जमीन के नीचे होने वाली किसी भी हलचल का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। भूवैज्ञानिकों ने इस इलाके को भूकंप के लिए सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना है। हायर हिमालय, ये हिस्सा दो प्लेटों के एक दूसरे में धंसने से बना है। इस हिस्से ने सबसे ज्यादा दबाव भी झेला है। सबसे ज्यादा एनर्जी जमीन के इसी हिस्से के नीचे है, और सबसे ज्यादा भूकंप इसी इलाके के आसपास आने वाले हैं। जानकारों का कहना है कि हिमालय सबसे नया पर्वत होने के साथ ही सबसे भंगुर भी है। इस इलाके को लेकर सबसे संवेदनशील होने की जरूरत है। इस इलाके में छेड़छाड़ काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर डैम और सड़कें बनाने को लेकर काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पहाड़ में काफी तीखे ढलान हैं, तो नदियों का बहाव भी काफी तेज है। ये इतना तेज है कि इसे रोका या बांधा नहीं जा सकता। कई बार तो ये बहाव बिना बांधे हुए भी इतना तेज होता है कि अपनी धारा बदलकर पहाड़ों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।